स्टार न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इस बार सोमवार को भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव पर शहर में होने वाले सभी आयोजन निरस्त हो गए हैं। साथ ही घर पर ही श्रावक सेविकाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए इस पर्व को मनाया। प्राप्त जानकारी अनुसार चित्तौड़गढ़ में समग्र जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था महावीर जैन मंडल की ओर से हर वर्ष धूमधाम से महावीर जयंती मनाई जाती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस वर्ष शोभा यात्रा नहीं निकली और न ही सामूहिक भोज हो पा रहा है। ऐसे में जैन समाज के लोग घर पर ही रहकर जप तप ध्यान आदि से महावीर जयंती मना रहे हैं। साथ ही कोरोना के कारण निरस्त हुआ समाज का सामूहिक भोज जरूरतमंदों के नाम किया गया है। लॉकडाउन के दौरान शहर में प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन वितरण में लगी संस्थाओं को महावीर जैन मंडल द्वारा भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए गए हैं। मंडल के अध्यक्ष कमल जैन ने बताया कि लॉकडाउन में निर्धन और गरीबों को प्रतिदिन भोजन करवाने के काम में शहर के विभिन्न समाज एवं संस्थाएं पहले से ही जुटी हुई है, इसलिए जिला प्रशासन के साथ वार्ता कर यह तय किया गया था कि सोमवार सुबह का भोजन इन संस्थाओं के माध्यम से ही वितरित किया जाएगा। ऐसे में शहर के गांधीनगर स्थित मांगलिक धाम में करीब 3500 लोगों का भोजन बनाने का काम हुआ। इसमें महावीर जैन मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भोजन के पैकेट बनवाए और सभी संस्थाओं को भोजन के पैकेट दिए गए। ये संस्थाएं शहर में जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाएंगी। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हमने अभी इस वर्ष कोरोना के विश्व जो त्रासदी है कोरोना, उसके कारण समस्त कार्यक्रम निरस्त कर दिए थे, परंतु जो हमारे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक का प्रसाद सभी जरूरतमंदों तक पहुँचे, ये सोचकर जो हमारा महाभोज होता है समाज के समस्त जनों का, 3500 जनों का, वो हमने जरूरतमंदों तक पहुंचाने का एक तुच्छ प्रयास किया है और इसमें हम 3500 पैकेट लगभग जो हमारी शहर की सभी संस्थाएं जैन जैनेतर बांट रही है उनके माध्यम से ये सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। महावीर जयंती जन्म कल्याणक महोत्सव है आज, और क्योंकि आज देश में और विश्व में कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से ये मनाया जा रहा है, और विगत 28 मार्च से श्री महावीर जैन नवयुग मंडल भोजन के पैकेट वितरण की एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको निभा रहा था। हमारे मंडल अध्यक्ष लोकेश जी डांगी और भोजन समिति संयोजक राकेश जी सेठिया और उनकी पूरी टीम इसमें जुटी हुई थी, और हमारी जो पैकेट संस्था है श्री महावीर जैन मंडल, आज उनकी तरफ से यहाँ पर पूरे शहर के जो 3500 पैकेट जो वितरित होने हैं अलग अलग समाजों के, वो यहाँ से संयोजित होकर उनके माध्यम से बटेंगे। भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, और इसी की अनुपालना करते हुए पूर्व में 28 मार्च से महावीर नवयुग जैन नवयुग मंडल है, और आज महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर हमारी श्री महावीर जैन मंडल और पूरी युवा टीम और सभी लोग लगे हुए हैं कि इस ये संदेश दिया जावे कि भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, ये आम जीवन में चलता है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।